अस्सलाम वालेकुम, मैं सुफीज़ा मिज़ इस्लाम और सिलसिले के तमाम पीर भाई और पीर बहनों को मेरा दस्तबोशी कबूल हो। आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक किताब लेकर आई हूँ। उस किताब का नाम है सीरत मुस्तफ़ा और इस किताब में पेज नंबर 525 आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको ताज़िम रसूल ये पढ़कर सुनाना चाहूँगी। तो शुरू करती हूँ मैं। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मत पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में एक निहायत ही अहम और बहुत ही बड़ा हक यह भी है कि हर उम्मती पर फ़र्ज ऐन है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे निस्बत व ताल्लुक़ रखने वाली तमाम चीज़ों की ताज़ीम व तौकीर और उनका अदब व एहतराम करें। हरगिज़ हरगिज़ उनकी शान में कोई बेअदबी न करें। अहकमुल हाकिमीन जल्ला जलालहू का फरमाने आली शान है कि बेशक हमने तुम्हें ऐ रसूल भेजा हाजरी हाजिर व नाजिर और खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला, ताकि ऐ लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, रसूल की ताज़ीम व तौकीर करो और सुबह व शाम अल्लाह की पाकी बोलो। हुजूर की तौहीन करने वाला काफिर है। हज़रत अल्लामा काजी आयाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस बात पर तमाम उलमाए उम्मत का इज्मा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वाला या उनकी ज़ात, उनके ख़ानदान, उनके दीन, उनकी किसी आदत में कमी बताने वाला या उसकी तरफ इशारा किनाया करने वाला या हुजूर को ऐब के तरीके पर किसी चीज़ से तशबीह देने वाला या आपको ऐब लगाने वाला या आपकी शान को छोटी बताने वाला या आपकी तौहीन करने वाला बादशाह इस्लाम के हुक्म से कत्ल कर दिया जाएगा। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लानत करने वाला या आपके लिए बद्दुआ करने वाला या आपकी तरफ किसी ऐसी बात के निस्बत करने वाला जो आपके मर्तबे के लायक ना हो या आपके लिए किसी मुजर्रत नुकसान की तमन्ना करने वाला या आपके लिए या आपके मुकद्दस बारगाह में कोई ऐसा कलाम बोलने वाला जिससे आपकी शान में तौहीन व बेअदबी होती हो या किसी आजमाइश या इम्तिहान की बातों से आपको आर व शर्म दिलाने वाला भी सुल्तान इस्लाम के हुक्म से कत्ल कर दिया जाएगा, वह मुर्तद करार दिया जाएगा और उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। इस मसले में उलमाए अमसार और सलफ़े सालहीन के दरमियान कोई अख्तलाफ नहीं है कि ऐसे आदमी को काफिर करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। मोहम्मद बिन सुहनून रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बस जबानी करने वाला और आपकी तौहीन करने वाला काफिर है। जो उसके कुफ्र और अजाब में शक करे वह भी काफिर है। तौहीन रसालत करने वाले की दुनिया में यह सजा है कि वह कत्ल कर दिया जाएगा। इसी तरह हज़रत अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिकीन यानी आपके अस्हाब, आपके अहले बैत, आपके अजवाज मुतहरात आदि को गाली देने वाले के बारे में फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और आपकी अजवाज मुतहरात और आपके अस्हाब को गाली देना या उनकी शान में तौहीन करना हराम है, ऐसा करने वाला मलऊन है। यही वजह है कि हजरत सहाबाए किराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कदर अदब व एहतराम करते थे, आपकी मुकद्दस बारगाह में इतनी ताज़ीम व तकरीम का इजहार करते थे कि हजरत उरवा बिन मसूद सखफी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जबकि मुसलमान नहीं हुए थे और कुफारे मक्का के पेशवा बनकर मैदान हुदैबिया में गए थे, तो वहां से वापस लौटकर उन्होंने कुफार के मजमा में खुल्लम खुल्ला यह कहा था कि ऐ मेरी कौम, मैंने बादशाह रोम कैसर और बादशाह फारस किसरा और बादशाह हबशा नज़ासी का दरबार देखा है, मगर खुदा की कसम मैंने किसी बादशाह के दरबारियों को अपने बादशाह की इतनी ताज़ीम करते नहीं देखा जितनी ताज़ीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। चुनांचे चंद मिसालों से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाबे अपने आका इनामदार के दरबार में किस कदर ताज़ीम व तकरीम के जज्बात में डूबे रहते थे। सर पर चुड़िया
हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मजलिस में मौजूद लोगों के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा का तस्किरा करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक़्त आप बातचीत फरमाते थे तो आपके मजलिस में बैठने वाले सहाबा इकराम इस तरह सर झुका कर खामोशी और सुकून के साथ बैठे रहा करते थे कि गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। जिस वक़्त आप खामोश हो जाते तो सहाबा किराम बातचीत करते और कभी आपके सामने बात करने में झगड़ा नहीं करते। जो आपके सामने कलाम करता आप तवज्जो के साथ उसके कलाम को सुनते रहते यहाँ तक कि वह खामोश हो जाता। हजरत अम्र बिन आस के तीन दौर। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने बिस्तरे मौत पर अपने बेटे से अपने ज़िंदगी के तीन दौर का तस्किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि मेरी पहली हालत यह थी कि मैं कुफ्र की हालत में सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन था। अगर मैं उस हालत में मर जाता तो यकीनन मैं दोज़खी होता। दूसरी हालत मुसलमान होने के बाद यह थी कि कोई शख्स मेरे नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब न था। मेरी आँखों में आपसे ज़्यादा अजमत व जलालत वाला कोई भी न था। मैं आपकी हैबत की वजह से आपकी तरफ नज़र भर के देख नहीं सकता था। यही वजह है कि अगर मुझसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल व सूरत पूछी जाए तो मैं अच्छी तरह बयान नहीं कर सकता। अगर मैं उस हाल पर मर गया तो मुझे उम्मीद है कि मैं अहले जन्नत में से होता। तीसरी हालत मेरी गवर्नरी और हुकूमत की थी जिसमें मुझे अपना हाल मालूम नहीं। कौन बड़ा? अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ्फाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत कुबास बिन आशिम से पूछा कि तुम बड़े हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्होंने कहा कि बड़े तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, मगर मेरी पैदाइश हुजूर से पहले हुई है। हजरत बरा का अदब। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछने का इरादा रखता था मगर कलामे अदब और आपकी हैबत से बरसों दरियाफ्त नहीं कर सकता था। आसारे शरीफा, आपकी छोड़ी हुई निशानियों की ताज़ीम। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा के अदब व एहतराम को हजरत सहाबा इकराम अपने ईमान की जान समझते थे, बल्कि वह चीज़ें कि जिनको आपकी ज़ात वाला से कुछ ताल्लुक व नस्बत हो उनकी ताज़ीम व तौक़ीर को भी अपने लिए ईमान के लिए ज़रूरी जानते थे। इसी तरह ताबईन और दूसरे सलफ़े सालेहीन भी आपके तबर्रुकात का बेहद एहतराम और उनका एज़ाज़ व इकराम करते थे। उनकी चंद मिसालें हम नीचे तहरीर करते हैं जो अहले ईमान के लिए बहुत ही नसीहत वाली हैं। पहला, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की टोपी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मुकद्दस बाल शरीफ सिले हुए थे। किसी जंग में उनकी टोपी सर से गिर पड़ी तो आपने इतना ज़बरदस्त हमला कर दिया कि बहुत से मुजाहिदीन शहीद हो गए। आपके लश्कर वालों ने एक टोपी के लिए इतने सख्त हमले को पसंद नहीं किया। लोगों का ताना सुनकर आपने फरमाया कि मैंने टोपी के लिए यह हमला नहीं किया था, बल्कि मेरे उस हमले की यह वजह थी कि मेरी उस टोपी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए बाल मुबारक हैं। मुझे यह अंदेशा हो गया कि मैं उनकी बरकतों से कहीं महरूम ना हो जाऊं या कुफार के हाथों में न पहुंच जाए, इसलिए मैंने अपने जान पर खेलकर उस टोपी को उठाकर ही दम लिया। दूसरा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर शरीफ पर जिस जगह बैठते थे खास उस जगह पर अपना हाथ फिराकर अपने चेहरे पर फेर लिया करते थे। तीसरा, हजरत अबू महजूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो सहाबी और मस्जिद हराम के मुअज्जिन हैं, उनके सर के अगले हिस्से में बालों का एक जूड़ा था। जब वह ज़मीन पर बैठते और उस जूड़े को खोल देते तो बाल ज़मीन से लग जाते थे। किसी ने उनसे कहा कि आप इन बालों को मुंडवाते क्यों नहीं? आपने जवाब दिया कि मैं इन बालों को मुंडवा नहीं सकता क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे इन बालों पर अपना हाथ मुबारक फेर दिया है। चौथा, हजरत साबित बुनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि मुझसे हजरत अनस बिन मालिक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यह फरमाइश की कि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस बाल है, मैं जब मर जाऊं तो तुम इसको मेरे ज़बान के नीचे रख देना। चुनांचे मैंने उनकी वसीयत के मुताबिक उनके ज़बान के नीचे रख दिया। वह उसी हालत में दफन हुए। इसी तरह हजरत
उमर बिन अब्दुल अजीज उम्मे खलीफा आदिल रज़ियल्लाह अन्हों की वफात का वक्त आया तो उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मुए बाल मुबारक और नाखून दिखाकर लोगों से वसीयत फरमाई कि इन तबर्रुकात को आप लोग मेरे कफन में रख दें। चुनांचे ऐसा ही किया गया। पांचवा, हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझको चंद घोड़े इनायत फरमाए तो मैंने अर्श किया कि एक घोड़ा आप अपनी सवारी के लिए रख लीजिए, तो आपने फरमाया कि मुझको बड़ी शर्म आती है कि जिस शहर की ज़मीन में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं उस शहर की ज़मीन को मैं अपनी सवारी के जानवर की खुरों से रौंदूँ। चुनांचे हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़िंदगी भर मदीना ही में रहे मगर कभी किसी सवारी पर मदीना मुनव्वरा में सवार नहीं हुए। छठवा, हजरत अहमद बिन फजल वैया जिनका लकब जाहिद है या बहुत बड़े मुजाहिद थे, तीर अंदाजी में बहुत ही माहिर थे। उनका बयान है कि जब से मुझे यह हदीस पहुंची कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से कमान भी उठाई है, उस वक़्त से मैं कमान का इतना अदब व एहतराम करता हूँ कि बिला वजू किसी कमान को हाथ नहीं लगाता। सातवा, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने यह कह दिया कि मदीना की मिट्टी ख़राब है। यह सुनकर हजरत इमाम मौसूफ ने यह फतवा दिया कि इस गुस्ताख को 30 दुर्रे लगाए जाएं, इसको कैद में डाल दिया जाए। यह भी फरमाया कि उस शख्स को कत्ल कर देने की ज़रूरत है जो यह कहे कि मदीना की मिट्टी अच्छी नहीं है। आठवां, एक दिन शकीफा ए बनी साइदा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ थे। आपने हजरत सहल बिन सअद से फरमाया कि हमें पानी पिलाओ। चुनांचे हजरत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक प्याला में आपको पानी पिलाया। हज़रत अबू हाजिम का बयान है कि हम लोग हज़रत सहल बिन साद के यहाँ मेहमान हुए तो उन्होंने वही प्याला हमारे वास्ते निकाला। बरकत हासिल करने के लिए हम लोगों ने उसी प्याले में पानी पिया। उस प्याले को हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज उम्मे खलीफा आदिल अज़ल्ला अन्हों ने हज़रत सहल बिन साद से मांग कर अपने पास रख लिया। नौवा, जब बनू हनीफ का वफ्त बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ तो उस वफ्त में हजरत सय्यार बिन तलक इमामी रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझे अपने पैराहन शरीफ का एक टुकड़ा इनायत फरमाइए, मैं उससे अपना दिल बहलाया करूँगा। हुजूर ने उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमा कर उनको लिबास शरीफ का एक टुकड़ा दे दिया। उनके पोते मोहम्मद बिन जाबिर का बयान है कि मेरे वालिद कहते थे कि वह मुकद्दस टुकड़ा सालों साल हमारे पास था, हम उसको धोकर बगैर शिफा बीमारों को पिलाया करते थे। 10, मश्क का मुंह काट लिया। एक सहाबिया हजरत कबशा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। उनके मश्क के मुंह से आपने अपना मुंह लगाकर पानी पी लिया तो हजरत कबशा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मश्क का मुंह काटकर बरकत के लिए अपने पास रख लिया। 11, हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस तलवार ज़ुल्फ़िकार हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास थी। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद वह मदीना मुनव्वरा वापस आए तो हजरत मिसवर बिन मखरमा सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा कि मुझे यह ख़तरा महसूस हो रहा है कि बनु उमैया आपसे इस तलवार को छीन लेंगे, इसलिए आप मुझे वह तलवार दे दीजिए, जब तक मेरे जिस्म में जान है कोई उसको मुझसे नहीं छीन सकता। तो इस किताब में ताज़ीम रसूल जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया यहीं तक था।